हेलो धर्मेंद्र भाई, क्या चाल? मैंने चिल्लाया, मैं आपके लिए मैं चिल्लाया वहाँ आगे। ये हमेशा लेट करती है लड़की, तो जब भी इसके साथ ट्रिप में जाओ 2 घंटे पहले का बफर लेके जाओ भाई। फाइनली लेट्स गो। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। आज है day 2 और रात को मैं आपको दिखा नहीं पाया। रात को हम करीबन पहुंचे थे 7:30-8 बजे करीब, और हमने होटल वहां पे बुक किया, खाना खा के हम सीधे सो गए थे। तो आज हम आए हैं शिवपुरी से थोड़ा आगे, जंकयार्ड कैंपिंग की लोकेशन है ये, और कैंप्स का नाम है जंकयार्ड, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, छोटी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, पहाड़ है ये देखिए। तो दोस्तों, भूख बहुत लग रही है और दिन के बच गए 2। सुबह मैं इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने चाचा के पास गया था, चाची जो है थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उनसे मिलने गया था। वहाँ से आया और बहुत ज़्यादा जाम लगा है भाई, 4 से 5 घंटे करीब हम फंस गए थे जाम में, और टोटल हमने डिस्टेंस कवर किया था वो था 8 किलोमीटर। राम झूला से हमें अपने तपोवन पहुँचने में ही 1.5 घंटा करीब लग गया था। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई चलो। गाइज ये हैं हमारे 2 परम मित्र, जिलिक हेलो एंड अंकित, और एक वहाँ पे है मनोज, मनोज मनोज द सुपर ब्लॉगर जो आ रहे हैं, और ये देखिए। तो दोस्तों अभी हमें शंका है कि हम सही वाले कैंप में आए हैं, सही में पक्का ना? अगर गलत हुआ ना तो फिर वही पोपट हो जाएगा हमारा। लोग हैं अच्छा गैस नहीं पर तो भाई बहुत तेज भूख लग रही है। अभी जस्ट हम पहुंचे हैं। समय क्या हो रहा है मित्र? समय हो रखा है 3। वैसे तो बुरा समय चल रहा है लेकिन हम अच्छा बनाएंगे इसको। अभी 3 बजे हुए लेकिन अभी पार्टी बाकी है, पार्टी स्टार्ट ही हुआ, और भूख भी बहुत लग रही है भाई। सबसे पहले ठूसूंगा मैं, उसके बाद नदी में जाके नहाएंगे बढ़िया से, जाके फैल जाएंगे। हाँ फैल जाएंगे बिल्कुल। पानी इतना तेज है नहीं, और पानी गुनगुना है यार, पानी है ना, ठंडा नहीं है, गुनगुना है, सही पानी है, तो गुनगुना है। तो चलिए देखिए ऐसे कैंप से यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों चलिए चलिए चलिए, हमारे सुपरस्टार ब्लॉगर कहाँ है, हमारे सुपरस्टार ब्लॉगर का है, दिख नहीं रहे? ये रहे मनोज जी। तो सुपरस्टार ब्लॉगर मनोज जी, कैसा लगा 5-6 घंटे का ट्रिप मार के सिर्फ 18 किलोमीटर? भाई मेरे को बहुत मजा आया, पर मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार के लिए, कि भाई बहुत जगह हैं उत्तराखंड में घूमने के लिए भाई, थोड़े रोड सही कर लो प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, हाथ जोड़ कर विनती है। और प्लीज़ होमगार्ड उत्तराखंड के, उनका एटीट्यूड सुधारो, उनको बताओ कि तुम पुलिस नहीं हो, नहीं यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट पीपल। तो दोस्तों क्या हुआ, सुबह हम अपने होटल से गाड़ी को बैक कर रहे थे, तो बिना बात के होमगार्ड का बंदा है, होमगार्ड का बंदा अबे इसके घर में आए क्या? तो मेरी रिक्वेस्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट से, प्लीज जो अपने होमगार्ड्स वगैरह है और कॉन्स्टेबल्स वगैरह है, हाईलाइट ने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो कि पब्लिक से कैसे बात की जाती है। भाई हम गेस्ट हैं उत्तराखंड के, गेस्ट हैं हम, दे आर फॉर अस, हम उनके नौकर दिए हैं, ठीक है, वी आर द टैक्स पेयर। ये इंसिडेंट हमारे साथ सुबह हुआ था और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बट हाँ मेरी एक अपील है और रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि प्लीज़ अपने जो होमगार्ड्स हैं और जो भी पब्लिक के लिए जो सर्व करते हैं उनको प्लीज़ ट्रेनिंग दीजिए कि पब्लिक से कैसे बात की जाती है। तो दोस्तों चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ।
तो दोस्तों हमारा खाना लग गया है और खाने में है ये हमारी आलू की सब्जी है, भुजिया टाइप की है, और ये है सलाद, इसमें है रोटियाँ, रायता, और यहाँ पे है यह दाल, पीली दाल, और शायद राइस अभी आने वाला है। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अब खाना वगैरह हमारा हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे छोटा सा एक देखिए नदी टाइप की है, ज़्यादा गहरी नहीं है, तो हम यहाँ पे नहाते हैं और बहुत टाइम बाद मैं नदी में नहाऊंगा। ये देखिए अंकित भी तैयार हो गया है और झीतलिक हमारी वीडियोग्राफर है, और आगे शाश्वत जो है वो रेडी है नहाने के लिए, और आगे बिल्कुल स्कूटी फंस गई है बाइक की, धक्का देना पड़ेगा। जा जा जा, ये तेरा टैटू सही आ रहा है। गाड़ी नहीं निकली है बट कोशिश अभी जारी है। देखो भाई सबके बहुत टैन हो गए, गंदा भाई के गंदा वाला टैन हो गया, भाई के कच्चे धुल गए हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं निकली है। अब हमारे पहलवान जा रहे हैं भाई के पास, एक्सपर्ट जा रहे हैं नैप के ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं भाई, ट्रबल शूटिंग, और ये ट्रबल शूटिंग सक्सेस होती हुई दिख रही है। यहाँ गहरा है, यहाँ गहरा, वहाँ पे नहा रहे भाई। अब ठीक है ना, इस वाले में नहाएंगे, कोई ना, यहाँ फ्लो होता है भाई, मजा आता है। हाँ गहरा तो मजा नहीं आ रहा, उसमें नहाते हैं मछलियों के साथ। जलपरी बनेगा, जलपरी बनना है, जलपरा। और ट्रबल शूटिंग सक्सेस शाश्वत की, फाइनली इन्होंने इशू रिजॉल्व कर दिया है स्कूटी का, नैप के एम्प्लॉई नाउ आरएनआर में शाश्वत का नाम पहले नंबर पर। करे जा मैं समझा खाले तन करे ले 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 ला ला। हाँ भाई राजा राजा, हेलो हेलो भाई, तो भाई नहा लिया हमने, कुछ बताएंगे आपकी शाम कैसी जा रही है? अभी तक सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया जा रही है। और चलिए नहा लिया, अब थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। दोस्तों बताओ एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस था कान नाक गले सब में पानी चले गया, और कुछ पहले तो जो पानी था वो गरम गरम गुनगुना था, लेकिन अब ठंडा ठंडा हो रहा है तो अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कितना था पानी? पानी में आप नहाए? मैं बहुत पानी में ना, यहाँ तक तो पानी था यार। झूठ क्यों बोल रहे हैं? तेरी कसम। अरे झूठ बोल, अरे सच्ची में। अबे झूठ बोला, तू बैठा हुआ था पागल, तभी तो कह रहा हूँ यहाँ तक था बैठने के बाद। ठीक है तो चलिए फ्रेश होते हैं। सच बता रहा, लोग गलत परसेप्शन मान लेते हैं, शायद तू खड़ा होगा हमारे हमारे भाई मिस्टर शाश्वत। सही बात है शाश्वत, क्लियर द पॉइंट। देख चोट लग गई यार, देखो भाई चोट लग गई है, आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, चोट लग गई है। चलो इस चोट के बदले एक लाइक दे दो जरूर। तो दोस्तों चलिए मैं चलता हूँ कच्चे सुखाने और आगे मिलेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब क्रिकेट खेलने, शाश्वत बॉलिंग कर रहा है, और आगे चलिए देखें किस क्रिकेट खेलते हैं। और दोस्तों शाम हो गई है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार चांद, वाओ। इसी चीज का वेट कर रहा था, और इसी चीज के लिए हम दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। सूरज भी कल यहीं से निकलेगा, सूरज भी यहीं से निकलेगा, और सनराइज भी यहीं से होगा। और ये देखिए ये है वादियाँ हमारे कैंपिंग की, अभी लाइट जा रही है, मौसम ठंडा हो चुका है वैसे दोस्तों, ये डॉगीज भी हैं घूम रहे हैं जो। तो दोस्तों स्नैक्स वगैरह आ गए हैं, हम स्नैक्स ले रहे हैं, स्नैक्स में वही चने हैं, पापड़ वगैरह हैं, और जो लोग ड्रिंक करते हैं वो यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ अच्छे से। थोड़ी देर में डिनर भी होगा, और कल का जो हमारा प्लान है मोस्ट प्रोबेबली हम मसूरी जाएंगे,
थोड़ी देर बाद डिनर करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। दोस्तों डांस चल रहा है, इस वक्त रात के 9:30 हो गए हैं और डिनर बस थोड़ी देर में लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे वीडियो भी बनाई जा रही है। तो गाइस टाइम हो गया रात के 12:24। तो मैं, झिलिक और अंकित तीनों बिल्कुल ये रिवर साइड बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको रिवर भी दिखाता हूँ और बिल्कुल बिल्कुल रिवर के किनारे में बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। तो चलिए देखिए। तो दोस्तों देखिए ये देखिए रिवर साइड है पूरा। आगे आपको थोड़ा टेंट्स वगैरह भी दिख रहे होंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये देखिए। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थोड़ी देर बाद हमारे सोने का टाइम हो जाएगा, रात के 12 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय नमस्ते, बाय बाय कर दो भाई। Bye guys. Bye. Good night.